गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कुल्फी। ये हमने एक आम लिया है, हम इसको काट लेंगे इस तरीके से और फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने आम को इसमें डाल लिया है और हम इसमें अब ये थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं। ये हमने कुछ खरबूज लिए हैं, ये खरबूज भी हम इस तरीके से काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने खरबूज पीस लिया है, ये मैंने आम को दूध में पीस के रखा है। मैं इसमें ये थोड़ा सा रूह अफजा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को रंग बिरंगी कुल्फियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं ये इसमें रूह अफजा डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, ये मैंने कुछ काजू लिए हैं, ये कूट लिए मैंने, ये थोड़े से बादाम लिए, इसमें हम डालेंगे इस तरीके से। हम पहले डाल देंगे इनको इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हम इस तरीके से इनको डाल देंगे और डाल रही हूँ ये खरबूज पीस लिया हमने। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं इसमें लगा रही हूँ इस तरीके से लगा रहे हैं। ये मैं इनको फ्रीजर में रखने जा रही हूँ, तो फ्रीजर में हम 6 घंटे के लिए रखेंगे इसको, या हम दूसरे दिन खाएंगे तो पूरी रात के लिए रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने फ्रीजर में रख दी थी, इन्हें 6 घंटे हो चुके हैं, ये हमने निकाली, अब हम निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये है आम वाली मैंगो की, ये देखिए कितना बढ़िया प्यारा कलर आया, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। ये है खरबूज वाली जो हमने खरबूज से बनाई थी, और ये हमारी मैंगो की रूह अफजा के साथ है क्योंकि बच्चों के कलर बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए हमने रंगीन बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड, कितनी बढ़िया कुल्फी है हमारी, नेचुरल एकदम फ्रूट की कुल्फी है ये, जो फ्रूट चल रहा है आजकल मौसमी फ्रूट, हमने उसकी कुल्फी बनाई है। तो ये एक बार ज़रूर बनाएं, दूध की तो काफ़ी खाई होंगी लेकिन फ्रूट की कुल्फी हमने ये बनाई है, इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।